इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST का आपने नाम सुना होगा। आखिरकार IIST कैसे एस्टेब्लिश हुआ, आज कैसे इंडिया का लीडिंग एरोस्पेस इंस्टीट्यूट बन चुका है, आखिरकार कौन कौन से प्रोसेस हैं, पूरा हिस्ट्री से जानेंगे। आखिरकार कैसे IIST स्टार्ट हुआ, कैसे आज डायरेक्टली आप इसरो के अंदर जा सकते हो आफ्टर द 12th क्लास, क्या सारा प्रोसेस रहता है इसरो के अंदर जाने का, एंड कैसे आपको IIST पढ़ाता है, क्या क्या आपको बेनिफिट आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, इसके साथ ही इंडिया का बिगेस्ट एरोस्पेस इंस्टीट्यूट कैसे बना, आइए जानते हैं। दोस्तों अगर बात करें 2005 तक की, ठीक है, जस्ट लाइक 2006-07 के अंदर बेसिकली जो है इंडियन एरोस्पेस एजेंसी इसरो जो है मिशन स्टार्ट करने लगा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड इंडिया के जितने भी साइंटिस्ट थे, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है काफ़ी बड़े एरोस्पेस के इंस्टीट्यूट थे नहीं, और अगर जो भी थे उनके पास ज़्यादा कोई फंडिंग थी नहीं, प्राइवेट के अंदर उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था, इस कारण हमारे जितने भी साइंटिस्ट थे सबको जो है इंडिया से बाहर जाना पड़ता था, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए हो, एंड इंडिया के जो लोग थे, युवा थे, जो यूथ थे, उनके पास इसका ऑप्शन था नहीं, तो जितने भी सारे लोग होते थे वो बाहर जाते थे, स्पेस साइंस की पढ़ाई करते थे, एंड देन जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते थे। इसी कारण हमारी जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है उसका पहले की अगर बात करें तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई। तो फिर इसरो ने जो है, इसरो के जो चेयरमैन थे सन 2007 के अंदर, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया जाए इसरो के अंदर ही, जहाँ पर जो बच्चों को पढ़ा के ट्रेनिंग दी जाए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अगर प्राइवेट कॉलेजों की बात की जाए तो उस टाइम पे भी प्राइवेट कॉलेजेज हुआ करते थे जो कि एरोस्पेस पढ़ाया करते थे, लेकिन बच्चों को कुछ सिखाया नहीं जाता, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों के पास ना तो वो एयरक्राफ्ट होते ना ही उनके पास मिसाइल होती। आखिरकार प्राइवेट कॉलेज वालों को खुद को नहीं पता कि आखिरकार मिसाइल बनती कैसे है, वो सिर्फ बुक परचेज करते मार्केट से, बच्चों को पढ़ा देते हैं, बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता। आखिरकार वो अगर चले भी जाए किसी कंपनी में तो काम करेगा। इसलिए 2007 के अंदर इसरो के कोलेब्रेशन से जो है एक टेम्परेरी इंस्टीट्यूट बनाया गया। इसका कोई बेसिकली बहुत बड़ी बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं डिसाइड किया गया, जहाँ पे भी लोन्स पेड वगैरह होते थे वहीं पे इसरो के अंदर ही इंस्टीट्यूट खोला गया, एंड जो भी कार्यक्रम है वो स्टार्ट कर दिया गया 2007 के अंदर। ऑलमोस्ट JEE मेन जो बच्चे कंप्लीट कर लेते थे JEE मेन का एग्जाम, उन बच्चों को जो है उन लोगों ने सेलेक्ट किया, 30 बच्चे लिए गए IIST के द्वारा। इसका नाम रखा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फीस काफ़ी कम रखी गई, कुछ शर्तें थी कि हम जैसा जैसा आपको पढ़ाएंगे इंडस्ट्री के हिसाब से आपको हमारे साथ यहाँ पे काम करना पड़ेगा। बेसिकली मेजर इश्यू यही था कि आखिरकार जो बच्चे हमारे देश में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो यूथ है, युवा है, वो बाहर जा नहीं रहे हैं, अगर कोई जा रहा है तो एरोस्पेस की पढ़ाई नहीं कर रहा है तो हमारे इसरो के अंदर आएगा कौन। तो इसरो ने कहा कि आपको जो है 3 साल तक काम करना पड़ेगा, जो भी आप यहाँ पे सीखते हैं आप यहाँ पे पढ़ाई कीजिए और हमारे साथ काम भी करिएगा 3 साल बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद। देन बच्चों ने कहा इट्स ओके। धीरे धीरे कोर्सेज बढ़ते गए, टीचर फैकल्टी आते गए, 2010 के अंदर जो है फाइनली एक बड़ा कैंपस तिरुवनंतपुरम के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया गया केरला के अंदर, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट के साथ में, बहुत अच्छा बिल्डिंग, एकदम लस ग्रीन एनवायरमेंट बना के तैयार कर दिया गया पूरा का पूरा कैंपस 2010 के अंदर। अगर कोर्सेज की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो है आपको BTech के कोर्सेज, आपको जो है ड्यूअल डिग्री के कोर्सेज एंड अवियोनिक्स के कोर्सेज भी इसरो के अंदर प्रोवाइड किए जाते थे। बेसिकली IIST के प्रोफेसर्स का मानना था, क्योंकि वो ऑलरेडी IIT से ग्रेजुएट हो चुके थे, कि अगर आपको देश को अगर आगे बढ़ाना है, जो भी इंस्टीट्यूट है अगर उसको एक लीडिंग पोजीशन पे आना है, लेकिन आपको जो करीम बच्चे लेकर आना पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो हमारा जो प्रोसेस है एडमिशन का उसको बदलना पड़ेगा, और उन्होंने जो एडमिशन का क्राइटेरिया रखा JEE एडवांस एग्जामिनेशन। ऑलमोस्ट 2016 तक वो लोग जो JEE मेन का एग्जाम के थ्रू लेते थे, 2017 के आसपास उन लोगों ने JEE एडवांस का क्राइटेरिया लगा दिया। जो भी बच्चे JEE एडवांस का एग्जाम देते हैं वो IIST का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो IIST के अंदर पढ़ाई कर सकते हैं। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी बहुत सारे स्पेस साइंस के कोर्सेज कंप्लीट करवाता है। अगर स्पेस साइंस के इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो IIST, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIST शिवपुर, इसके साथ ही मद्रास के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, कुछ ही इंस्टीट्यूट है जो कि आपको कोर्सेज कंप्लीट करवाते हैं, जैसे कि एरोनॉटिकल IIT,
खड़गपुर हो गया, एंड इसके साथ ही कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जिनके पास लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है नहीं। इसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद उनको जॉब्स मिलती नहीं है क्योंकि स्टार्टअप थे नहीं। सन जस्ट लाइक 2016 के अंदर गवर्नमेंट ने जो हमारे स्पेस डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दिया, जिसके अंदर कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है एरोस्पेस के अंदर अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकती है, अपने लॉन्च पैड बना सकती है, मिसाइल बना सकती है। अगर स्पेस टेक स्टार्टअप की अगर बात की जाए तो लगातार स्पेस टेक स्टार्टअप बढ़ते जा रहे हैं। 2022 तक अगर बात की जाए तो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, स्पेशली ड्रोन टेक स्टार्टअप हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, स्पेशली चाहे वो लॉन्च पैड हो। गवर्नमेंट ने स्कीम रखी है कि जो भी प्राइवेट इस इंडस्ट्री में आना चाहता है इसके लिए बहुत सारी PLI स्कीम्स लाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इसके साथ ही बहुत सारी इसरो ने जो भी कंपनियों को कोलेबरेट किया, जो भी आपको इक्विपमेंट्स चाहिए आप इसरो के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप हमारे साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हमारे देश के अंदर एरोस्पेस एंड स्पेस साइंस की शुरुआत हुई। अब आपको इसरो क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है अगर आप IIST में सेलेक्ट हो जाते हैं तो। अगर IIST की फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए वो लगातार चेंजेज हो सकता है, आप उसकी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके पास रिजर्वेशन है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं, देन डेफिनेटली आपको जो है फीस के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। हालांकि पिछले कुछ सालों तक जो है इसरो का बॉन्ड रहता था जहाँ पे जो आपको बेसिकली 3 साल तक काम करना पड़ता था जो कि मेजर था, लेकिन अभी शायद उसको हटा दिया गया है, आप काम ना भी करो तो भी चलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए इसरो की, अगर आपके मार्क्स क्राइटेरिया 7 CGPA के आसपास कुछ क्राइटेरिया रखा गया है BTEC स्टूडेंट के लिए, अगर आप वो क्राइटेरिया पास कर जाते हो देन जो है आपको इसरो के अंदर डायरेक्टली अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आप एज ए इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एंड सीनियर इंजीनियर जो भी पोजीशन अवेलेबल हो अकॉर्डिंग टू आपके इंटरव्यू के हिसाब से जो है आप जॉब ले सकते हैं इन द IIST। अगर IIST के कोलेब्रेशन की बात की जाए सबसे अच्छे जो बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, जैसा कि इसरो ने IIST की शुरुआत की वैसे ही NASA ने भी एक इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी जो था JPL, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। हालांकि पिछले कुछ सालों की उसकी भी कुछ बड़ी अच्छी मिस्ट्री है जिसके अंदर जो है प्रोपल्शन लेबोरेटरीज के अंदर कुछ इश्यूज हो गए थे एंड लैक ऑफ नॉलेज के कारण बहुत सारे वहाँ पर भी इश्यू हो रहे थे, ऐसा कि यहाँ से लूथ को कैसे सिखाया जाए, क्या किया जाए। तो उन्होंने भी जो है बेसिकली JPL स्टार्ट किया। एंड अगर बात की जाए IIST की, देन IIST बेसिकली कनेक्टेड टू द JPL, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। तो जो भी स्टूडेंट है उनको काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है एंड डेफिनेटली बड़े बड़े जो चेयरमैन है एंड जो फाउंडर्स है जैसे हमारे नारायण मूर्ति जी हैं, एंड उनका ये कहना है कि हमारे देश के जो बच्चों हैं उनको जाना चाहिए, बाहर की टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है, दूसरे कंट्री में बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं। इसलिए जो एक्सचेंज प्रोग्राम या फिर MOU साइन किया जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा, जैसा कि अगर बात की जाए IIST का, तो IIST ने बहुत सारी कंपनियों से MOU साइन किया है इंटरनेशनली, लैक ऑफ कंपनी जो कि एरोस्पेस डिफेंस फील्ड में कोर्सेज कंप्लीट करवाती है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है हमारे देश के IITs के अंदर आते हैं, बाहर की कंट्रियों से IIST के अंदर आते हैं, एंड स्पेशली हमारे देश के जो स्टूडेंट है वो सेमेस्टर वाइज जो है या फिर कुछ मंथ के लिए या फिर फॉरेन विजिटर्स टाइप जो है दूसरी कंट्रियों के इंस्टीट्यूट के अंदर विजिट करते हैं, पढ़ते हैं कि आखिरकार वो स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज है, वो स्टूडेंट यहाँ का सीख के जाते हैं, यहाँ के स्टूडेंट वहाँ का सीख के जाते हैं। इस प्रकार से जो है कोलेब्रेशन करके वर्क किया जाता है। स्पेशली अगर बात की जाए 2016 के बाद एरोस्पेस एंड एविएशन इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिला। उसके बाद अगर बात की जाए जॉब्स की, तो IIST के साथ काफ़ी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कोलेब्रेशन है, डायरेक्टली जो है आप इसरो के अंदर अपॉइंट हो सकते हो एज ए गवर्नमेंट इंजीनियर। उसके बाद जो है एयरबस, टाटा, महिंद्रा एंड मैनी टॉप एरोस्पेस कंपनी जहाँ से रिक्रूट करती है स्टूडेंट को। एंड अगर बात की जाए मार्केट रीजन की, डिसीजन डिपेंड ऑन मार्केट सिचुएशन। हालांकि 2003 की अगर बात करें तो जस्ट लाइक मार्केट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मार्केट के अंदर फंड्स नहीं है, रिसेशन का माहौल है, फंडिंग स्टार्टअप्स के पास है नहीं, तो बहुत सारे लोगों को लगातार निकाला जा रहा है, तो ये कोई बेसिक इश्यू नहीं है, ऐसा लगातार होता रहता है। अगर आपको भी इंटरेस्ट है स्पेस साइंस के अंदर देन आप डेफिनेटली जा सकते हो इसरो के अंदर।
अगर बात की जाए जेई एडवांस एग्जामिनेशन की, अगर आपके ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास रैंक अगर जेई एडवांस में आती है तो आप चूज कर सकते हो IASTU, जहाँ पे जो है आपको बेसिक बहुत अच्छी पढ़ाई की जाती है इन द एरोस्पेस एंड डिफेंस डिपार्टमेंट। अगर एरोस्पेस के कुछ अच्छे और कॉलेजों की अगर बात की जाए तो आप IASTU के साथ साथ IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर में आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मिलेगा। इसके साथ ही मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई के अंदर भी आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर बात की जाए बहुत सारे IITs आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करा दी जाती है। अगर बात करें अर्थ साइंस के एंड स्पेस साइंस के, सबसे ज़्यादा जो कोर्सेज है वो आपको IASTU ही करवाता है। IASTU के पास अगर फैकल्टी की बात की जाए तो आपको 150 से ज़्यादा फैकल्टी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बेस्ट आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाता है, आपको करंट फैसिलिटी स्पेशली बहुत सारे एयरक्राफ्ट, आपको इसरो के बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ काम करने का मौका मिल जाता है एंड बहुत सारे साइंटिस्ट एंड गाइडेंस आपको मिलता रहता है। इसके साथ ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के राष्ट्रपति एंड इसरो के डायरेक्टर्स का काफ़ी अच्छा कोलेबोरेशन रहता है विद द स्टूडेंट ऑफ IASTU एंड टॉप IITs। तो आपको क्या लगता है कि आप IASTU करेक्ट कर पाएंगे? अगर आपका भी सपना है देश का एक भव्य साइंटिस्ट बनने का, देन यू कैन डेफिनेटली चूज दैट करियर एज ए स्पेस साइंस। अगर स्पेस साइंस के फ्यूचर की अगर बात की जाए तो लैक ऑफ फैसिलिटीज के कारण हमारे देश के स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट को एज ए रॉकेट साइंटिस्ट बनना होता है। अगर बात करें बहुत सारे आपके परिवार की, फैमिली की या फिर इंडिया की, तो आपने बहुत सारे लोगों से सुनते हुए देखा होगा कि ये काम कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। तो बेसिकली रॉकेट साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकता है एंड इसके साथ ही बहुत सारी चुनौतियों को भी आपको सामना करना पड़ सकता है बिकॉज इंडिया के अंदर दिस फील्ड इज़ वेरी न्यू। एंड अगर बात की जाए आपको बहुत सारी पुस्तकें लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसके साथ ही आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा एंड बहुत सारी फैकल्टी आपको नहीं देखने को मिलेगी। लैक ऑफ नॉलेज इन द इंटरनेट रिगार्डिंग दिस, लेकिन अगर इसके फ्यूचर की बात की जाए तो इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा उजला आपको देखने को मिल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए, सन ऑलमोस्ट 2040 तक जो है हम पर्सनल ड्रोन यूज करने लगेंगे। अकॉर्डिंग अगर आप जो अभी जो AI टेक्नोलॉजी देख रहे हो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2040 तक जो है हम अपना एक पर्सनल ड्रोन कैरी करके चलेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की, तो लगातार जो है लोग अपना टाइम बचाने के लिए यूज करते हैं, स्पेशली एरोप्लेन्स के अंदर, हवाई जहाज के अंदर सफ़र करते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है एंड इसके अंदर जो है आपको इलोन मस्क के साथ काम करने का मौका मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट करियर और इसके अंदर आपको जो है जॉब के लिए फ्यूचर में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा एज ए मिसाइल इंजीनियर और एज ए क्रू इंजीनियर। तो यू कैन डेफिनेटली चूज दिस, लेकिन हाँ आपको इसके अंदर जो है इंडिया के अंदर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली स्टडी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना, उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको फंड चाहिए होते हैं एंड इसके साथ लैक ऑफ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप भी चूज करना चाहते हैं अपने लिए अच्छा कोर्सेज, आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बिकॉज मार्केट के अंदर काफ़ी बड़े बड़े चेंजेज आए हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है ओवर प्लानिंग ना करें, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलें। एंड अगर बात करें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पिछले 10 साल से अपने आप को ओवर प्लानिंग कर रहे होंगे कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, लेकिन बीच में लॉकडाउन आ जाता है जिसके कारण जो है बहुत कुछ चैलेंज हो जाते हैं। तो आप लोगों से यही कहे जाते हैं कि अगर आपको एक सक्सेसफुल बनना है इन द वर्ल्ड बेसिकली, तो आप ओवर प्लानिंग ना करें, बेसिकली आपको जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलना है, मार्केट के हिसाब से चलना है, अपने कंट्री के डेल्यूएशन के हिसाब से चलना है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए आप चूज कर सकते हो कॉलेज जानकार को, जो कि आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है, आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है, आपका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, आप आने वाले फ्यूचर में 10 साल में कहाँ पर दिखोगे, आपकी शादी होगी कि नहीं ये कोर्स करने के बाद, क्या सारा सीन है, सब कुछ इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है collegejankar.com, जरूर से विजिट करें, हमारे टॉप एक्सपर्ट से बात करें इसके रिगार्डिंग क्या सारा कोर्सेज है, आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे, आपके लिए बेस्ट कोर्सेज कौन सा हो सकता है। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।